नमस्कार, छह एमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्ती दौरा, मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। 12 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी जनसभा। आज शाम थम जाएगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार, सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 6 मई को यूपी की 14 सीटों समेत 7 राज्यों की 51 सीटों पर होगा मतदान। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद लगातार बढ़ रहा चक्रवात फानी, बंगाल से टकराने के बाद आज यूपी में देगा दस्तक, जिलों में अलर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से। बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता दें, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जनपद दौरा आज। दिन में 11 बजे फतेहपुर पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। आईएमजी डिग्री कॉलेज में मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति हैं। बड़ी खबर फतेहपुर से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जनपद दौरा आज। दिन में 11 बजे तक फतेहपुर पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। एमजी डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी है साध्वी निरंजन ज्योति। बड़ी खबर फतेहपुर से। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जनपद दौरा है आज, जहां दिन में 11 बजे तक फतेहपुर पहुंचेंगे अमित शाह। एमजी डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और इस खबर पर हमें अभी अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ बताएंगे आप हमें इस पर? मैडम, मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 11:30 के बीच में अमित शाह आएंगे अपने प्रत्याशी हैं। यहाँ की जो पूर्व मतलब वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति के प्रचार के लिए रोड शो करेंगे और वो अपने कार्यालय से चल के और पूरा फतेहपुर एमजी कॉलेज होते हुए पूरा फतेहपुर रोड शो करेंगे। जी, जाना चाहूंगी अमित शाह और साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा कौन कौन से स्थानीय वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या कुछ तैयारी और उत्साह देखने को मिल रहा है इस जनसभा को लेकर? मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ के जो स्थानीय नेता और जो कानपुर के कई नेता हैं, जैसे सत्यदेव पचौरी है और क्या कहते हैं, एक सत्यदेव पचौरी मेन मुख्य रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपडेट करने के लिए इस खबर पर। ये बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जनपद दौरा है। दिन में करीब 11 से 11:30 के बीच फतेहपुर पहुंचेंगे अमित शाह और एमजी डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पार्टी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में वोट की अपील करेंगे अमित शाह। और इधर फरखाबाद में जिला अस्पताल के सीएमएस व बाल रोग विशेषज्ञ एमपी सिंह की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चे बीमारी में तड़प रहे हैं। बच्चों को देखने डॉक्टर नहीं पहुंचे। जिला अस्पताल लोहिया में 2 बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती है, जिसमें एक डॉक्टर की बेटी की शादी की वजह से छुट्टी पर है। वहीं दूसरे डॉक्टर जिला अस्पताल लोहिया के सीएमएस है, जो बच्चों को देखना उचित नहीं समझते हैं। वहीं पर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और शासनादेश अनुसार सरकारी डॉक्टर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। डॉक्टर एमपी सिंह के पर कई गंभीर आरोपों की वजह से जांच भी चल रही है, लेकिन इस मामले में जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
झांसी में भगवान परशुराम सेवा संस्थान की तरफ से 5 मई को भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रभु श्री राम दरबार, भगवान श्री शिव परिवार, प्रभु श्री कृष्ण दरबार की झांकियां शामिल होंगी। वहीं बग्घी पर सवार भगवान परशुराम के स्वरूप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये शोभा यात्रा खंडेराव गेट, पचकुई, अकोतवाली, सराफा बाजार, मानिक चौक, बड़ा बाजार, गांधी रोड, सुभाषगंज, रानी महल, सिंधी तारा कोतवाली होते हुए प्रारंभिक स्थल पर संगोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसकी जानकारी भगवान परशुराम सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मीडिया को दी। फेनी तूफान की सूचना के बाद रामबाग की जनता ने इलाकाई भुवनेश्वर मंदिर में हवन और पूजन किया। भगवान से तूफान को लेकर सकुशलता की गई और भारी मात्रा में इलाकाई लोगों ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। हम लोगों ने टीवी पर देखा कि कानपुर उत्तर प्रदेश में वो आने वाला, उसका कोई असर ना हो, किसी जान माल की हानि ना हो, इसलिए आज हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, इस तूफान से हम सभी देशवासियों की, हम सभी नगरवासियों की, हम सभी प्रदेशवासियों की आप रक्षा करें और जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए तूफान, इसलिए हमने आज हवन किया, ईश्वर से प्रार्थना की। ओडिशा में चक्रवाती तूफान फेनी के खतरे को देखते हुए कानपुर नगर निगम भी अलर्ट हो गया है। शहर के कई जर्जर और गिरने की आशंका वाले भवनों को खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही तमाम अन्य आशंकाओं के मद्देनजर बचाव कार्य के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नगर निगम मुख्यालय में इस संबंध में हुई बैठक में नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि गिरताओं और जर्जर भवनों में रहने वालों के साथ ही पड़ोसियों को भी सावधान कर दिया जाए। लिए सतर्क है और हमने अभी 1 मई को ही अपने सभी अधिकारियों की बैठक करके एक विस्तृत तो दिशा निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें प्रमुखता ये कहा गया है कि जितने हमारे जोन हैं, हर जोनल हेडक्वार्टर पर जेसीबी, ट्रैक्टर और ड्राइवर और ईंधन के साथ अलर्ट रहें, जिससे कि यदि कहीं भी कोई भी नुकसान होता है, कहीं भी पेड़ गिरता है, कहीं भी खंभे गिरते हैं या कुछ भी इस तरह का होता है, तो तत्काल मलबे हटाए जाएँ और तत्काल यातायात योग्य, यदि आवागमन अवरुद्ध होता है तो इसको यातायात योग्य बना दें। दूसरी बात, हम लोगों ने ये कही कि जो भी जर्जर भवन जो पूर्ण रूप से प्रत्येक जोनों में चिन्हित हैं, जिनके गिरने की संभावनाएं होती हैं, वहाँ के लोगों को ये बता दिया जाए कि वो अपना मकान खाली कर लें, जिससे कि सुरक्षित रहें और सुरक्षा ही एक बचाव ही सुरक्षा है, तो ऐसे मकानों से लोग स्वतः निकल जाएँ, इसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि लोगों को बताया जाए और सभी को सूचित किए जाने का प्रयास किया गया। फेनी तूफान की दस्तक के बाद नगर निगम की ओर से सारी तैयारियां लगभग पुख्ता कर ली गई हैं। उद्यान विभाग के अलर्ट के साथ साथ नगर निगम की ओर से जेसीबी और क्रेन्स को भी स्टैंड बाई मोड में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ नगर निगम की ओर से बीते दिनों चिन्हित किए गए कई भवनों पर को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम के इतने प्रयासों के बाद आखिर फेनी तूफान से होने वाले नुकसान को कितना रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन नीलू मिश्रा के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, घटना में करीब 17 लोग घायल, एक की उपचार के दौरान मौत, सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जिनमें से कई की हालत नाजुक।
आपको बता दें, सभी मुंडन कार्यक्रम कर वापस जा रहे थे कि तभी हुआ यह हादसा। पुलिस मौके पर तिरवा कोतवाली क्षेत्र के गदनापुर गांव के पास की यह घटना। बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज से बड़ी खबर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, घटना में करीब 17 लोग घायल, एक की उपचार के दौरान मौत। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सभी मुंडन कार्यक्रम कर वापस जा रहे थे, तभी तिरवा कोतवाली क्षेत्र के गदनापुर गांव के पास ये हादसा हुआ। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बांदा पहुंचे, जहां बबेरू के जेपी इंटर कॉलेज में आरके पटेल के समर्थन में जनसभा की। सीएम ने कहा कि पेयजल व्यवस्था के लिए 9000 करोड़ दिए गए हैं और साथ ही अन्ना पशुओं के लिए भी योजना बनाई गई। कहा कि हर जनपद में गौशालाएं बनवाई गई, गेहूं के दाम 7200 प्रति क्विंटल खाते में जा रहे हैं और हर दिव्यांग निराश्रित को पेंशन दी जा रही है। वहीं कांग्रेस और गठबंधन पर भी जमकर हमला किया और कहा कि सपा का झंडा लगाकर सपा के लोग आतंकी हमला करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष हमारे साथ कांग्रेस नेता शायर इमरान प्रतापगढ़ी शुक्रवार को फतेहपुर पहुंचे, जहां लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि 6 मई को लोगों ने समझदारी से मतदान नहीं किया तो बादशाहत गधों के पास चली जाएगी। ऐसे बादशाह नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लात मारने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर 5 साल रही सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कोई काम नहीं किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी जैसे बड़े अमीर लोगों के चौकीदार बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। पुलवामा में शहीद जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में 16 जवानों की शहादत की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। बाद में पत्रकारों ने जब उनसे बादशाह द्वारा नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर गधे की तरह लात मारने के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि ये एक लोक कहावत है और उसी के आधार पर मैंने ये बात कही। राजनीति करनी है तो विकास के नाम पे करिए, अपने किए गए कामों के नाम पे वोट मांगिए। ये आप धार्मिक प्रतीकों के आधार पे राजनीति में क्यों वोट मांग रहे हैं, ये तो निहायत बेशर्मी वाली बात। लोकोक्ति सुनाई है और लोकोक्ति में जो मैंने बात कही है, नोटबंदी का लात या फिर जीएसटी का लात, वो एक लोकोक्ति है और वो हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित बात है। अच्छा, मोदी उनके बारे में कहेगी वो देश की जनता 23 मई को कहेगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उम्मीदें हो गई
कमजोर हैं? कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। होम आर्ट फर्नीचर स्टोर अब झांसी में भी। कानपुर और लखनऊ में ग्रैंड सक्सेस के बाद होम आर्ट फर्नीचर स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है 20 अप्रैल को झांसी में, जहां मिलेंगे मलेशिया के इंपोर्टेड लेदर सोफा, बेड्स, डाइनिंग सेट्स, होम डेकोर आइटम्स, पेंटिंग और गिफ्ट आइटम्स। तो 20 से 22 अप्रैल तक इनॉग्रल डिस्काउंट में अप टू 30% ऑफ पाने के लिए आप भी आइए होम आर्ट फर्नीचर स्टोर, नियर कुंज बिहारी मंदिर, ग्वालियर रोड, झांसी। इम्पैक्ट झांसी, सफलता का दूसरा नाम। IIT, JEE व मेडिकल की तैयारी आधुनिक व आसान तरीके से। इम्पैक्ट झांसी के स्टूडेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। अब आपकी बारी है इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी के लिए, आज ही ज्वाइन करें इम्पैक्ट, ग्रीन पार्क कॉलोनी, सिविल लाइंस, झांसी। हंसराज मॉडर्न स्कूल मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड फन फील्ड थ्रू एक्टिविटीज लाइक साइंस पार्क, लर्न बाय लाइव कॉन्सेप्ट्स, Chess Club, learn tactics and strategy. Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. Mission 2019. स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक माह की मासूम का पेट फूलने पर उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट से एक मृत भ्रूण निकला, जिसे देखकर ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर भी सकते में आ गए। हालांकि सफल ऑपरेशन के बाद एक माह की कही बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और इसके अलावा भ्रूण का भी परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर की माने तो इस तरह का मामला 10 लाख केस में कभी कभार ही आता है। और गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले दंपति के घर एक माह पूर्व पुत्री ने जन्म लिया था। नवजात का पेट फूला हुआ था, जिसका परीक्षण करने पर डॉक्टर अरुण गुप्ता ने पाया कि पेट में नवजात का ट्यूमर है, जिसे निकालना बहुत जरूरी माना गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अरुण गुप्ता ने काफी बड़ा ट्यूमर निकाला। ट्यूमर का परीक्षण करने पर उसके भीतर एक मृत भ्रूण पाया गया, जिसका सिर और बाल डेवलप हो रहे थे। ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची अब पूरी तरह से खतरे के बाहर है और इसके साथ ही बच्ची को कैंसर की संभावना भी काफी कम है। फिर भी ऑपरेशन के बाद निकाले गए हिस्से को जांच के लिए भेजा गया है। एक महीने की बच्ची थी, फीमेल चाइल्ड था, जिसको कि एक्सेसिव क्राई की स्थिति, बच्चा काफ़ी रोता रहता था और जन्म से उसका पेट फूला हुआ था। तो जब उसकी जांच वगैरह की गई है, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड किया गया, तो मैंने पाया कि अंदर इसके पेट में काफ़ी बड़ी एक सिस्ट है, गांठ है। जब उसका ऑपरेशन किया गया और मैंने उस करीब 10 सेंटीमीटर 10x10 की एक सिस्ट को निकाला। धूप में निकलना इस बार गर्मी में सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और घर से निकलने से पहले छतरी स्टॉल बांधकर जरूर निकले और साथ ही पानी भी भरपूर मात्रा में पिए। गर्मी शुरू होते ही बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग के मरीजों की अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है और जिला अस्पताल में डॉक्टर गौतम जैन ने बताया कि अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग व हीट स्ट्रोक के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि धूप सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पिए और ज्यादातर ORS का इस्तेमाल भी करें। हल्का और सादा खाना खाएं और साथ ही एक साथ ज्यादा मात्रा में खाना न खाएं। बुखार या पेट दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पानी भरने की वजह से ज़्यादातर मरीज पेट के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। मोशन, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग के केसेस, डिहाइड्रेशन के केसेस में काफ़ी आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक के भी क्या कुछ ना? हाँ, हीट स्ट्रोक की वजह से हाई ब्लड फीवर के पेशेंट भी आ रहे हैं।
और उन्नाव में उस वक्त दहशत फैल गई जब बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर प्रधान के घर पर धावा बोल दिया और जमकर फायरिंग की। यही नहीं, ग्राम प्रधान के घर में बंधे पालतू कुत्ते पर भी गोली लगने से घायल हो गया। ग्राम प्रधान ने घर पर फायरिंग करने वाले दबंगों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र गजौली गांव का है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दीवार पर गोलियों के निशान दिख रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक MP वर्मा ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। गांव गजौली है थाना कोतवाली में, बीती रात्र में जो वहाँ पर फायरिंग घटना हुई थी जिसमें एक कुत्ते को भी छर्रा लगा हुआ है। इस मामले में वादी पक्ष द्वारा दो लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई है। मामले की छानबीन की जा रही है, विवेचना की जा रही है और जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है, मतलब ये आए बदमाश और हमारे घर पे गोलियां चलाने लगे और देखा दरवाज़ा खोल के, तो मतलब देखा दरवाज़ा खोल के गोली चलने लगी तो हम अंदर मतलब बंद कर लिया दरवाज़ा। और हमारा ये डॉगी जो है भूख रहा था, तेज तेज से अंदर आते हों या बाहर से गोली चलाते हों तो इसके मतलब गोली मार दी। और एक तरफा प्यार में बाधा बने भाई की पत्थर से पटक कर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भोजला मंडी सीपरी बाजार थाना इलाके में 3 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गमछा, रक्त रंजित पत्थर, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई है। SSP डॉक्टर OP सिंह ने पत्रकारों को बताया कि शंभू राय खेत में विमल सेन की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका गया था और जब इसकी पड़ताल की गई तब सामने आया कि विमल सेन की बहन पर सत्येंद्र काफी वक्त से गंदी निगाह रखे हुए था। भाई विमल को भनक लगते ही उसने विरोध किया, जिसके बाद सत्येंद्र ने अपने रिश्तेदार गौरी शंकर सेन के साथ योजना बनाकर विमल पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साइलेंट हो गया था लेकिन ये सोच रहा था कि इसको रास्ते से हटाना है। इस दिन जिस दिन घटना कारित हुई इस दिन इसने इससे मोटरसाइकिल मांगी सत्येंद्र से, तो वो आ गया फिर इसके संपर्क में, कहा कि अपनी मोटरसाइकिल हमें दे दीजिए, कुछ जरूरत है। तो वो फिर इसके संपर्क में आ गया, फिर उसने प्लान किया कि अब इसी के बाद और इधर कानपुर के फूलबाग स्थित बाल भवन में लॉयंस क्लब ऑफ कानपुर गैंगीज की तरफ से पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को अच्छा रिजल्ट आने पर प्रोत्साहन के लिए उन्हें गिफ्ट्स भी दिए गए। वहीं इस मौके पर ADJ रजत जैन ने भी शिरकत कर बच्चों का प्रोत्साहन किया, साथ ही स्पोर्टिक बच्चों के हुनर को देखकर उनकी तारीफ की और साथ ही शिक्षकों की भी तारीफ की और उनकी तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी गई। जो इस पार्टी के बच्चे हैं और बाल भवन के बच्चे हैं उनका एक समारोह है, उसमें हमारे कानपुर के ADJ रजत जैन जी मुख्य अतिथि रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी संस्था के काफ़ी पदाधिकारी और लायंस क्लब के काफ़ी पदाधिकारी सदस्य भी यहाँ पे आए हैं। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, जो बच्चे कभी बोल नहीं सकते थे या सुन नहीं सकते या पैरों से कुछ बिगड़ रही, हाथ किसी के हाथ के हवाई जाए, उन बच्चों को ये संस्था जो शिक्षा दे रही है ये बहुत ही सराहनीय है। हम इसकी बहुत उसका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। होटल